नमस्कार, मैं हूं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। केंद्र सरकार ने आज किसानों को दिवाली का एक और तोहफा दिया है। सरकार ने रबी की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को बढ़ाया है। कैबिनेट ने गेहूं, मसूर, जौ और चना समेत रबी की अन्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। गेहूं पर 110 रुपये, जौ पर 100 रुपये, चना पर 105 रुपये और मसूर पर 500 रुपये, सरसों पर 400 रुपये, सूरजमुखी पर प्रति क्विंटल में 209 रुपये की वृद्धि की गई है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच देश के प्रथम मतदाता एवं किन्नौर जिले के कल्पा निवासी श्याम सरन ने 106 वर्ष के होने के बावजूद 14 नवंबर को मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के मतदाताओं के लिए घर से ही मतदान करने की व्यवस्था की है, लेकिन नेगी मतदान करने के लिए कल्पा मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के UG एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट डाल दी गई है। गौरतलब है कि DU की ओर से जारी किए गए एडमिशन शेड्यूल के अनुसार मेरिट लिस्ट आज शाम 5 बजे तक रिलीज की जानी थी, लेकिन समाचार एजेंसी PTI ने विश्वविद्यालय के एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि अब मेरिट लिस्ट कल यानी 19 अक्टूबर को जारी की जाएगी। कुवैत में आयोजित एशियन यूथ चैंपियनशिप में झारखंड के गुमला की नेशनल एथलीट आशा किरण बारला ने 800 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। इस पल को परिजनों के लिए यादगार बनाने के लिए प्रशासन ने भी सहायता की और उनके घर टेलीविजन से साथ सेटअप बॉक्स भी पहुंचाया। बिहार के एक गांव के लोगों ने पिछले 108 साल में एक भी FIR दर्ज नहीं कराई है। यकीनन 21वीं सदी में बिहार का यह गांव पूरे देश को संदेश दे रहा है। गया जिले के आमस प्रखंड के बनकट गांव पूरी तरह अपराध मुक्त है। बनकट गांव के लिए पंचायत का निर्णय ही अंतिम होता है। हिमाचल प्रदेश में दोबारा सत्ता बरकरार रखने की कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों की माने तो हिमाचल प्रदेश में भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी एक दर्जन मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है। इतना ही नहीं, 2-3 मंत्रियों पर भी गाज गिर सकती है और उनके टिकट भी काटे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि PM मोदी पर आतंकियों द्वारा आत्मघाती करने की साजिश रची जा रही है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। इस हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत होने की सूचना है। हादसा गरुड़चट्टी के पास हुआ है। क्रैश का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर आयरन हेली कंपनी का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर के पायलट समेत 7 तीर्थयात्री बैठे थे और हादसे में सभी की मौत हो गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व स्टार और 1983 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष बनाया गया। मुंबई में BCCI AGM में उनकी नियुक्ति की घोषणा की गई। बिन्नी ने भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की जगह ली है। दिवाली, धनतेरस जैसे त्योहारों की तैयारी में लगे ग्राहकों को जल्द महंगाई का एक और झटका लग सकता है। घरेलू किसानों की भलाई के लिए सरकार पाम तेल पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। इसके बाद खाने के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। सरकार ने हाल में ही आयात शुल्क में कटौती कर खाद्य तेल की कीमतों को नीचे लाने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग के मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। इस मामले में स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने CBI की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अब तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से राहत मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज होने से बचा है। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल के लिए राहत नहीं मिली है। डेविड वार्नर की कप्तानी करने पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि वह डेविड वार्नर पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटा रहा है। इसके साथ ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तेज गेंदबाज पैट कमिंस को वनडे क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया है। राणा दग्गुबाती ने साबित कर दिया कि वह सबसे अच्छे अभिनेताओं में से एक हैं, क्योंकि उन्होंने एक ट्रॉल को शालीनता से चुप करा दिया है जिसने आगामी फिल्म विराज पर्व में उनकी उपस्थिति के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की परिस्थितियों की जांच कर रहे पैनल ने उनकी सहयोगी VK शशिकला को दोषी ठहराया है। 2016 में गठित न्यायमूर्ति ए अरुमुग स्वामी जांच आयोग ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि VK शशिकला की गलती ढूंढनी होगी। पैनल ने जांच की सिफारिश की है। सेलिब्रिटीज और उनके काम को लेकर फैंस का दीवानापन कोई नई चीज नहीं है। हाल ही में सिंगर अंकित तिवारी को भी ऐसे ही एक जबरा फैन का सामना करना पड़ा है। तेरी गलियां फेम सिंगर अंकित तिवारी की बिल्डिंग में उनका एक क्रेजी फैन घुस गया। गार्ड्स ने इस शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी कीमत पर अंकित से मिलना चाहता था।
एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव जय शाह ने कहा कि एशिया कप 2023 पाकिस्तान में होगा या नहीं, इस पर आने वाले समय में फैसला लिया जा सकता है। गौरतलब है कि एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB करेगा और फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक यह पाकिस्तान में खेला जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HAI खराब सड़क के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHAI प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया है। इस अनदेखी के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHAI की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने विधानसभा में हिंदी थोपने के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि यह सदन सरकार से आग्रह करता है कि वह अपने अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई राजभाषा पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को लागू न करे, जो तमिल सहित राज्य की भाषाओं के खिलाफ है। 7 देशों में भारत के राजदूतों ने हरियाणा की अर्थव्यवस्था, कृषि एवं खाद्य संस्करण में उपलब्धियों तथा औद्योगिक निवेश के अनुकूल नीतियों के बारे में जानकारी हासिल की है। इससे हरियाणा को अपने राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। उज्जैन के सांसद अनिल फिरोजिया इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के चैलेंज को स्वीकार कर अनिल फिरोजिया ने अपना 32 किलो वजन कम कर लिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस लक्ष्य को पूरा कर अब वह देश के सबसे महंगे सांसद बन गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोडरमा पहुंचकर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। कोडरमा के बांगी टाड स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां जिले के अधिकारियों और झामुमो एवं कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं जिला पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कांगड़ा के तनिष्क ज्वेलर स्टोर से सोने की चूड़ियों के सेट ले उड़े। इस सोने की चूड़ियों की कीमत करीब 2,27,626 रुपये है। तनिष्क ज्वेलर स्टोर को इस बात का पता तब चला जब रात को स्टोर बंद करने से पहले स्टॉक चेक किया गया तो उसमें यह कम था। ऐसे में उन्होंने CCTV कैमरे के फुटेज को जांचना शुरू किया। कोरोना का प्रकोप बेशक कम हो गया है, लेकिन डेंगू के बढ़ रहे केसों ने सेहत विभाग की चिंता बढ़ा दी है। त्योहारी सीजन से पहले केस बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल है। सोमवार को डेंगू के 6 नए मामले सामने आए। जिले में डेंगू केसों की संख्या 217 हो गई है। 6 नए मामलों में 5 मामले शहर तथा 1 ग्रामीण एरिया के हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की शक्ति की संवैधानिकता की चुनौती याचिका की सुनवाई की तिथि 15 दिसंबर तय की गई है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 अक्टूबर से ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान प्रभावी हो गया है। बावजूद इसके दिल्ली NCR में दिवाली से एक सप्ताह पहले ही वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 के ऊपर पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग भी सक्रिय है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को झटका देते हुए सेविंग्स अकाउंट के ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है। बैंक ने 10 करोड़ रुपए में कम की बचत जमाओं के लिए ब्याज दर में 5 आधार अंकों की कटौती की है। SBI की वेबसाइट के अनुसार बैंक ने 15 अक्टूबर से इन दरों को लागू कर दिया है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम ने असम ग्रेड 4 सीधी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। असम सीधी भर्ती परिणाम 2022 आधिकारिक वेबसाइट ACBAonline.org पर जाकर चेक कर सकते हैं। अब चयनित उम्मीदवारों को भर्ती के लिए अगले चरण और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी MCC ने नीट 2022 काउंसलिंग के पहले राउंड के लिए रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। कई राज्यों में मेडिकल सीटों में वृद्धि होने के कारण यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में करीब 200 सीटों को बढ़ाया गया है। UP के मेडिकल कॉलेजों में भी आने वाले दिनों में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो सकती है। मध्य प्रदेश में भले ही इसे लागू कर दिया गया हो, मगर उत्तर प्रदेश में भी चिकित्सा शिक्षा विभाग बीते कई महीने से इस विषय पर माथापच्ची में जुटा है। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के लिए किताबों को लेकर भी विचार चल रहा है। एक तरफ भारत में त्योहार का सीजन शुरू हो गया है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट के सब वेरिएंट ने भारत में दस्तक भी दे दी है। महाराष्ट्र के पुणे में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट यानी BQ1 का पहला केस मिला है। BQ1 ओमिक्रॉन के BA.5 का वंशज है जो वर्तमान में अमेरिका में कोविड के मामलों को तेजी से ऊपर लेकर जा रहा है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, वीके रंजन, कविता कुमारी, नुनू कुमार, राजीव कुमार, दीपक कुमार, मोहम्मद नौशाद, रजा, के सिन्हा और अखिलेश रैना। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर MSP बढ़ाने से किसानों को कितना फायदा मिलेगा। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।